म्यूजिक बंद हो गया ना, एक सेकंड भाई। मैंने पहली बारी ये होस्ट करा, मुझे आइडिया नहीं कोई भी कि कैसे कैसे क्या होता है इसमें। फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। एक बारी सब लोगों को जुड़ जाने दो। कैसे क्या क्या होता है, क्या लिखा रहा यार। ओके भाई, बहुत सारे लोग आ गए यार, पता नहीं लग पा रहा। सब ने रिक्वेस्ट कर रखी है, अब क्या करूँ। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है यार। तुम भी सोच रहे हो एलिस भाई, तुम तो कति छिकमा गवार हो। एक सेकेंड, मेरे पे लिस्ट भी तो थी यार। ओके भाई, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड बस। कितने, 1600 1900, थोड़े लोगों को जुड़ जाने दो, उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं इतने ना हूँ कि कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिनको मुझे ऐड करना है इसके अंदर, तो वो चीज़ें कर लेता हूँ मैं। 1 मिनट रुको, पता भी तो नहीं लग पा रहा है यार। जुड़ जाओ सारे लोग, जुड़ जाओ प्लीज़। थैंक यू, आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। क्या चीज है, एक कमेंट कमेंट। ओके, 4 रिक्वेस्ट, 108 रिक्वेस्ट है हमारे पास। कौन कौन है लोग? कटारिया जी आपको ऐड किया मैंने, जी आपको ऐड किया मैंने, और कौन कौन है? ये ऐड किया मैंने आपको, और कैसे पता लगता है यार। अरे क्या हाल है सबके सबके क्या हाल है? राम राम। कैसे बहुत बढ़िया भाई, कैसे हो? हो कैसे एलविज भाई? जय श्री जय श्री राम राम। भाई, जय श्री राम। ठीक हो सारे? यार मुझे ना बस एकदम मजा। मुझे स्पेस का ना आइडिया नहीं यार, मैं पहली बार ही होस्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड रुको, को होस्ट अगर मुझे आप बनाना। को दे दो, कोई बात नहीं, मैं सबको माइक रोटेट कर दूंगा। एक सेकंड मेरे भाई, ये चेक करो, मैंने आपको बनाया कुछ, बने बन गए ना आपको होस्ट भाई। हाँ जी, हाँ जी, आ गया। 1 मिनट, एक अब सेकंड कर रहा प्लीज हूँ। जो जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जो मतलब मैं पर्सनली जिनको नहीं जानता, आप शायद ज्यादा जानते होंगे, आप उनको प्लीज ऐड करो। और वे कटारिया, कर दिया सिस्टम हैंग, सिस्टम सिस्टम हैंग तो हैंग एलविश भाई, एलविश भाई, मतलब। जी भाई, लव भाई एक बात बोलनी है भाई, लव यू भाई, यू बहुत टू प्यार भाई। है भाई। भाई पूरा सिस्टम हैंग कर दिया यार भाई, इतने मेरे को जब से आपने डाला है तब से भाई इतना एक्साइटेड था वो पूरा भाई, कि भाई स्पेस में आएंगे, बात करनी है भाई। क्या बताओ यार, सिस्टम ही हैंग है भाई, मेरे को धन्यवाद कुछ सर, वर्ड्स नहीं है इस टाइम पे। लव धन्यवाद, यू है आपको लव यू टू भाई। हमारे रैंडम रैंडम सेना भाई, हमारे अभिषेक भाई भी हैं। अभिषेक भाई, कौन करके कुछ शब्द बोलिए आप। अभिषेक ने तो माइक बंद कर रखा, सबसे ज्यादा बोलने वाला अरे बंदा। कैसे कैसे। राम राम भाइयों सभी को। मेरा मैं राम राम जी, मैंने जिस दिन लास्ट वोटिंग थी, मैंने पूरी एल्विश आर्मी को प्रॉमिस किया था कि भाई अपना आएगा स्पेस में, और ऐसा हुआ कि इंस्टा लाइव से पहले अपना भाई स्पेस में ही आ गया, तो उसके लिए भाई का बहुत धन्यवाद, और कॉन्ग्रेचुलेट तो है ही, बस जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं काफ़ी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा सभी लोगों से, कि जो जो अभिषेक भाई को बोल रहे हैं कि आपने ये करा वो करा, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई ने बहुत सपोर्ट करा, बहुत हेल्प करी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी करी, और जो ऑडियो वाली चीज़ें बहुत मार्केट हो भाई रही उसको हैं बाद में स्टार्टिंग। करेंगे, एलविश भाई रहने देते हैं, मतलब बस पक्की बात रिक्वेस्ट है है? आपका। हाँ, वो चीज़ें रहने दो। चलो ये भी ठीक है। पब्लिक को बता, पब्लिक फिर कभी सोचे ना कि भाई कैंपस के करब भाई, पास आपका ऑफिस थी, आवाज बोल कट गया ये रहा वाली है आवाज थी। कटारे, रिचार्ज करवा लें नेट का। भाई, मेरे को कुछ लोगों का नाम ले दूं भाई एलविश भैया, प्लीज नहीं, वो एडी डिजाइन एक से कह सेकेंड रहा हूँ। एलविज हाँ जी। सेकेंड। अब हाँ एलविश जी भाई, एक क्या है कि चीजें फिर कट होके बहुत चीजें सर्कुलेट होंगी, तो ये हम ये सारी चीजें पब्लिक में ना ही लाएं तो ठीक है, बस आपको भरोसा है ना? ऑब्वियसली हाँ यार, भाई, मुझे भरोसा है यार, बिल्कुल ऑब्वियसली भरोसा है। कैसी बातें कर मुझे रहा तुम भाई। किसी से अरे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस भाई के लिए मैंने
मैं बस 1 मिनट लूंगा। जिस भाई के लिए मैंने अपना 1 महीना दिया, जो मेरे उसमें था सब कुछ दिया, उस भाई को अगर भरोसा है, उस भाई को अगर मेरे पर ट्रस्ट है, दैट्स इट। मुझे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। बस एक भाई, एल्विश भाई, आप ही, बस इतना ही बोलूंगा और कुछ नहीं। करप भाई सामने है, आप तो अंदर थे, बस एक चीज बोल दो कि क्या करप भाई रैंडम सेना ने एक चरणी भी आप लोगों से लिया? नहीं भाई, रैंडम नहीं भाई भाई, ने भाईचारे में सारा सपोर्ट किया है। जिनको लग रहा है ना कि हमने भाई से पेड़ पीआर या फिर पेड़ रख के करवाया है, ये सारा भाईचारे में काम है। यही है हमारा भाईचारा, ठीक है। ट्रॉफी भाईचारे की वजह से आई है, पैसों के बलबूते पे नहीं आई। बिल्कुल। देखो मैं काफ़ी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। जिन लोगों को ये लग रहा हो कि भाई एल्विश ने बहुत पैसे फूके हैं, तो मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों पे पैसा फूकता ही नहीं, ठीक है। एक डाउट तो ये क्लियर करो। दूसरी चीज़ें काफ़ी उठ के आई थी कि नेगेटिव पीआर ये वाली वो सारी चीज़ें। देखो हम उन लोगों में से नहीं है जो दूसरे को नीचा गिरा के खुद ऊपर उठें। हम उनमें से भाई, अपनी अपने ऊपर ध्यान दो कि हम खुद कैसे आगे बढ़ सकते हैं, रादर देन कि दूसरे को नीचे गिराएं। और उसमें भी देखो पैसा लगता तो फिर पैसे की बात आ गई, मैं फिर कंजूस हूँ, ठीक है। उसमें भी मैं पैसा नहीं लगाता, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशन एलिस भाई, अरे बेरोजगार भाई, क्या हाल है मैं मौज में आपके? हूँ भाई। एलिस भाई, यहाँ पे ना ट्विटर पे बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे भाई जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी आपके लिए, उनके लिए भी बोल देना, बहुत रात दिन तक एक थे। अपना पंडित भाई हो गया, हाँ अशरफ बिल्ला की पूरी टीम हो भाई, गई, ये बिल्कुल सारे बिल्कुल लोग हैं भाई, ना, इस ट्विटर पर स्पेशली हैं कि मैंने मुझे नीचे स्पेशली इसी मिल ही चीज नहीं के लिए रहे। वोट किया है मैंने पंडित जी के यार। लिए तारीफ कर दो हाँ एलविस भाई, मजाक नहीं, पूरा फंडम पंडित जी संभाला है नीचे कल्ले मिल बंदी ही ने नहीं रहे पूरा। मुझे, मैं ऊपर ला रहा हूँ उनको। जो पंडित जी और शेफ है उन्होंने बहुत मेहनत करी बहुत मेहनत आपके कर लिए लिया, एलविश पूरा भाई, फैंडम पूरा 24x7 फैंडम लगे रहते भाई भाई। पंडित। पंडित जी को शुक्रिया मेरी तरफ से, और शेफ बिल्ला भाई को, अभिषेक भाई को, मतलब भाई की बल्कि पूरी टीम जितनी भी है, पांच डीआरएस मिलियन वगैरह का सारे एक सबको सेकेंड भाई। पांच एलविश भाई एक दिन था जो 5 मिलियन ट्वीट्स हुए, और ये पूरे फैन पेजेस 12 घंटे तक स्पेस चला के 5 मिलियन ट्वीट किए। मतलब हैट्स ऑफ इन लोगों का। ये सारे फैन बिल्कुल पेजेस भाई, 12 घंटे स्पेस में थे, और हम लोग आके पुश कर देते थे, लेकिन 12 घंटे स्पेस में बैठना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सारे फैन पेजेस को भाई मेरा थैंक यू। और मैं मतलब एक एक का नाम नहीं ले पाऊंगा, ट्विटर अकाउंट जिन जिन ने मेरा सपोर्ट करा, एलविश आर्मी ने, सबका बहुत ज्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ। जो मतलब समझ रहे हो ना कि रैंडम भाई ने भी बहुत हेल्प करी, हमेशा खड़ा रहा दिल से, उस भाई को भी थैंक यू। अपने और लोगों को थैंक यू नहीं सब बोला जाता भाई। नहीं नहीं भाई, फिर भी यार मतलब मेरे पास शब्द बहुत कम है, खत्म हो गए मेरे पास शब्द, बट फिर भी मेरी तरफ से जो भी बन पाएगा मैं बिल्कुल करूंगा। और सबका प्यार मैंने देखा है, और बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं चीज़ों के लिए। आप लोग हो तो मैं हूँ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई हेट वगैरह किसी को भी मत देना, और कोई दे तो भाई उसको इग्नोर करो, बस पॉजिटिव रहो, सब ग्रो करो अपनी लाइफ में। लाइफ इज टू शॉर्ट टू हेट पीपल, समझ रहे हो? अब ओके बोल सकते हो आप। और एल्विस भाई अभी कैसे जा रहा है आपको, मतलब क्या फील हो रही है, थोड़ा बताइए। मुझे भाई कमर में खुजली हो रही है अभी तो वैसे तो। और बाकी चीजें तो ठीक है। एल्विस कोई भाई एक शेफ चीज बोलूंगा, इसने, पंडित ने ऊपर ले ले, पंडित कहाँ है? पंडित जी नीचे दिख ही नहीं रहे, मैं कब का ढूंढ रहा हूँ उन्हें। उनकी स्पेस शायद बनी हुई है, एक बार उनसे गिरवाना है, कॉल कर दो बारह उन्हें। स्पीकर की उसे गिरवा दो एक बार, बारह स्पीकर उसको उनके सुनने डीएम के में कॉल भेज कर दे दे माइक, उनको। ये ध्रुविल भी नहीं दिख रहा है मुझे, ध्रुविल उसको डीएम एलविश में भेज भाई, दे माइक। हाँ जी भाई, भैया कुछ आपकी फैन गर्ल्स हैं जो बहुत देर से मेरे को मैसेज कर रही थी कि एक बारी हमारा नाम बुलवा देना, दो नाम है, दो तीन नाम बस वो बोल दो एक बारी, नैन्सी, आयशा और निकिता ठाकुर, प्लीज। नैन्सी, आयशा और निकिता ठाकुर को बहुत हाँ जी सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार और बहुत रिस्पेक्ट, थैंक यू, एलिश भाई, थैंक यू ये भाई। दिशा भी है भाई, दिशा है बहुत, अपने फैंडम की बेस्ट एडिटर है भाई, उसने बहुत तगड़े तगड़े एडिट बनाए, उसको भी और थैंक यू बोल दो भाई एक बार। दिशा जी आपको भी बहुत सारा थैंक यू और बहुत सारा प्यार, बहुत अच्छे अच्छे एडिट्स करे आपने, थैंक एलविश भाई एक ही चीज बोल लूंगा, ठीक है, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा मैं, और बंदों को ही माइक दे देते हैं ना। देखो इंस्टा पे तो अपना और यूट्यूब पे साम्राज्य था ही, ठीक है भाई, अब ट्विटर पे भी खड़ा हो गया, यू। ठीक है एलविश बिल्कुल भाई। और भाई कुछ भी ऐसा मौका मिले ना, प्लीज भाई छोड़ना मत प्लीज, ठीक है। बाकी एंड तक साथ है सारे के सारे, मतलब पूरी सवाल ही एलविश नहीं। हाँ जी, आर्मी, हाँ जी, एलविश बस भाई मैं भी कुछ बोलना पूरी चाहता हूँ, एलविश लव आर्मी एंड तक शेफ जो जो बोल रहे हैं ना, उनको जब हो जाए तो उनको हटा दो और नेक्स्ट को ले सकते हो, क्योंकि 12 12 स्पीकर से ज्यादा हो नहीं पाएंगे। है। अरे मैं बोल सकता हूँ क्या?
हाँ यार, हम चुप हो हेलो जाते हैं भाई, हेलो तुम बोल एलविश रहे भाई, कैसे हो? मैं यश बोल रहा हूँ हो। अरे वाह यश भाई, मैं एलविश बोल रहा हूँ, कैसे हो भाई? भाई, मतलब मैं बहुत अभी नर्वस हूँ इस टाइम आपसे बात करते टाइम, बट अरे मैं यार बहुत मेरे से प्यार नर्वस करता हूँ मत हो, आपसे, सच्ची मैं बहुत खाऊंगा नहीं ज्यादा। तुम्हें यार, मैं तो किसी ये कर दूंगा पंडित तुम्हें। को, पंडित को ऊपर ले ले बिल्ला, हाँ मतलब ले मैं रहा हूँ ले रहा बहुत। हूँ, मैं उनकी रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। हाँ अरे आगे मेरे को आगे बोल आगे लेने दो बोलो प्लीज यार, मेरे को बोल लेने दो प्लीज। बोलो बोलो तो बोलो मैं बोलो। बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ एलिश भाई आपसे, और अभी नहीं बट मैं लाइफ टाइम आपके साथ हूँ हर चीज में, एज अ फैन आई विल सपोर्ट यू। अरे भाई बहुत बड़ी बात है मेरे लिए यार, थैंक यू, थैंक यू सो मच एलविश भाई, लव यू लव यू। लव यू टू मेरे भाई। पंडित को ले ले ऊपर अब एलविश भाई, अच्छा बहुत सुनो सुनो देखता एलविश हूँ भाई, मैं। एलविश भाई जी सर बताएं। मेरी एक फ्रेंड है निश करके, उसको हाय बोल दो एक बार। मिश, निश हाय निश मिश निश कैसे हो आप? निश निश, हाय निश कैसे हो आप? एलविश भाई, थैंक यू हमारे एलविश टीम में एक मेघाली करके थे आसाम से, वो भी परिंदा जी। आईडी है, वो भी आपका बड़ा फ्रेंड है। मैं माइक नहीं दे पा रहा हूँ उनको, लेकिन उनका मैसेज आया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई को। भाई आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आई, उनका नाम एक बार दोबारा बताओगे आप? मेघाली मेघाली मेघाली, मेघाली जी को बहुत बहुत थैंक यू इतना सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच। एलविश भाई, मैं मिस्टर हंट बोल रहा हूँ, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, आप सुनना चाहोगे? जी भाई बताओ, सुनना चाहेंगे भाई। मैंने लिखा है, यो आई एम अ पार्ट ऑफ गैंग सिस्टम, कर रखा है हैंग सारा सिस्टम, सीधी बात क्यों ना तेरे पल्ले पड़ी, इस बार ये जीत थी हमारी पक्की, वाइल्ड कार्ड था वाइल्ड, यारों का यार, किया ना कभी पीठ पीछे ये वार, गलती से ना लेना सिस्टम से पंगा, एलविश आर्मी कर देगी तेरे को नंगा, गर्व से बोलता है भाई आई एम हिंदू, रोस्टेड टिकटॉक ही एंड जेफर्ट जर्मन शेफर्ड टू, वाइल्ड कार्ड भी जीतेगा ये मानना पड़ेगा, सिस्टम के नीचे सबको रहना पड़ेगा, राव साहब ने हिला रखा था सारा सिस्टम, बिग बॉस में भी चल रहा था सर सिर्फ सिस्टम, दिल से ही जिया है और दिल जीत गया, सबका भ्रम टूट गया, वाइल्ड कार्ड जीत गया। वेलकम अरे वाह यार, बहुत बड़ा लिखा है आपने भाई, थैंक यू। वेलकम। और कौन कौन भाई? भाई पंडित जी के बारे में बहुत बातें हो रही है भाई, कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा हमसे, ये समझ नहीं आ रही मुझे। हाँ अनकनेक्टेड दिखा रहे हैं। नीचे मेरी में कनेक्टिंग दिखा रहा है बार बार ही ना। तो पंडित जी हेलो आप सुन रहे हैं तो भाई आपको ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच। बहुत अभी भाई ने बताई, आपने बहुत सपोर्ट करा तो बहुत धन्यवाद आपका भाई। एलविश भाई, जय श्री राम। मैं ऑफिशियल एफसी बोल रहा हूँ आपका। पहली बात तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे आए। आपकी जो जर्नी थी लाइफ की प्लस बिग बॉस की, ये बहुत लोग को इंस्पायर करती है, और जो हमारी टीम है ना, आपको इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि आपको आइडिया तक नहीं है। जो आप सोच रहे हो ना, उससे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपको लोग यहाँ पे, और बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं। बस आप थोड़ा थोड़ा, अच्छा आपका सुख दुख हमेशा आपके साथ रहेंगे ये लोग, और प्लस आपका हर एक मोमेंट हम लोग जिए आपके बिग बॉस में, आपके लाइफ में। एवरी डे हम सोते थे आपका नाम लेके, उठते थे आपके नाम से, हर एक ट्वीट हर एक ट्रेंड आपके लिए जो भी किया है ना, गए दिल से किया है। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, और ये जो नीचे एक आर्मी बैठी है ना आपकी, ये ऐसी ही नहीं है, ये सब एक एक मिनट ये लोग ने आपके लिए दिया, इतना प्यार आपको करते हैं। तो मैं भी ये बोलूंगा, वी लव यू एल्विश भाई, आप ऐसे हमेशा खुश रहो, आबाद रहो लाइफ में, और बहुत बड़ी बड़ी तरक्की करो, और हम सबको ऐसे ही प्यार करते रहो। जय श्री राम। मेरा नाम डॉक्टर शिवम है, मैं आपका ऑफिशियल एससी हूँ, येलो कलर की टीपी वाला। अरे शिवम, शिवम भाई थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और मैं भी ये बात मानता हूँ कि आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया है, मुझे नहीं लगता मैं शायद उतना डिजर्व करता था, बट फिर भी वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा मैं कि लोग मेरे से इतना प्यार कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा भाई आपने जो जो बातें बोली, बहुत दिल से प्यार आपका। एलविश भाई लाइफ में, पंडित जी को माइक दे देना और दादा। भाई समायरा जी का मैं बर्थडे नीचे है, जा इनको रहा हूँ, हैप्पी तुम बर्थडे है लोग मेरे पंडित को। आ को ले, गया ऊपर मैं जा रहा हूँ नीचे। एक एक बारी एलविश भैया, भैया एक बारी पिंका यादव करके कोई है, उसका बर्थडे है, ही वांट्स कि आप उसको बर्थडे विश कर दो। मैसेजेस पे मैसेजेस आए जा रहे हैं, मैं किसके देखूं मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट वो चाहता है उसको बर्थडे विश कर दो। क्या नाम है? प्रियंका यादव, नहीं पिंका यादव, नितिन यादव है वैसे उसका नाम, नितिन नितिन। नितिन, नितिन भाई को यार हैप्पी बर्थडे भाई, खूब तरक्की करो, खूब हंसते रहो और बहुत आगे जाओ, हैप्पी बर्थडे भाई। भाई तो एलविश भाई एक और बात, एक ध्रुविल डोरिस मैम सुन रहा है तो करके, मैंने और डीएम में डोरिस मैम माइक किया है करके, ध्रुविल। डोरिस मैम करके 56 ईयर ओल्ड है, और वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, डिबेटर है, और वो यहाँ नहीं रहती, ऑस्ट्रिया में रहती है, वो आपसे बहुत प्यार करती है। आई डोंट नो वो स्पीकर पे आएंगी कि नहीं, वो रोने लग जाएंगी, बहुत इमोशनल है, बट मैं उनका मैसेज कन्वे करता हूँ कि वो आपको हर एक, आपकी हर एक चीज उनको पसंद है, बहुत प्यार करती है आपसे। तो एक बार डोरिस मैम के लिए भी एक बार कुछ भी आप बोल सकते हैं तो।
डोरिस नाम है उनका, डोरिस। डोरिस मैम 56 ईयर ओल्ड लेडी है, ऑस्ट्रिया में रहती है। ओके, डोरिस जी को बहुत सारा प्यार, जितना आपने मेरे को सपोर्ट करा और जैसा मैंने आपके बारे में अभी सुना तो बहुत अच्छा लगा, दिल से थैंक यू। आप मतलब मेरी कंट्री के भी नहीं हो बट फिर भी मेरे से कनेक्ट कर पाए तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। भाई दो जी चार और बिल्कुल, नाम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं नाम दिलवा दूं उनका, बड़ी देर से मैसेजेस कर रहे हैं, अगर आप बोल सको अरे तो नहीं भाई, मेरे पंडित जी, नाक में से पंडित खून जी निकल गया। अरे को बताओ ना यार हाँ क्या भैया? अरे बताओ नाम यार, मेरे का नाक में से खून निकल जाएगा अगर नाम लेता हूँ। अच्छा पंडित अच्छा भाई एक है जैसे सागर है, सागर ने उसने वोटिंग के टाइम पे इतनी मेहनत करी है, सच बता रहा हूँ आपको, सागर मैंने और हमारी टीम ने बैठ के, पंडित जी इन्होंने मिलके, हमने अकेले अकेले बंदों ने मतलब 1.5 1.5 लाख वोट डाले भाई, सच्ची बात है। हम अरे मतलब कर रहे थे, तो सागर हो गया, उज्मा हो गई और सिमरन हो गई, ये लोग आप एक बार इनको कह दो कि यू लव देम प्लीज, थैंक यू। यार, ये मेरे को वैसे बताने की जरूरत नहीं है कि आई लव देम, बट सीरियसली आई डू। सागर, अजमा और तीसरा नाम क्या था, मैं भूल गया भाई, सिमरन 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 सिमरन, बहुत बहुत थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगा सुन के आपने इतने सारे वोट डाले, कसम से बहुत बहुत शुक्रिया यार। ट्विटर टीम ने अरे भाई बहुत मेहनत किया है, वो क्या नाम है, बॉस मीटर वाले में हमने क्या मतलब पूरी ट्विटर टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो ट्विटर ट्रेंड हो चाहे वो बॉस मीटर वाला कमेंट्स करना हो, भाई बहुत बिग ही बॉस के ज़्यादा घर के मेहनत अंदर की। जब मैं था तो देखो मुझे तो पता ही लगता था कि मेरे पीछे से क्या हो रहा है, बट जो बॉस मीटर वाली बात आप कर रहे हो, ये बताया मेरे को कटारिया ने कि भाई हम जीते 3, एक बारी हम हारे क्योंकि हमें स्पेलिंग हमारी गलत हो गई और हमें पता नहीं था प्रॉपरली करना क्या है, तो उसी से ही समझ आ गया था वैसे मुझे जब बताया कि यार हाँ जीत सकते हैं, जीतने जीतने का चांस था बहुत अच्छे से। सो जिन जिन भाइयों ने भाई ट्रेंड कराया, क्योंकि ट्वीट करना यार, मैं जैसे अभी ट्विटर पे काफ़ी इनएक्टिव हूँ तो आप लोग इतना साथ देते हो, ट्रेंड कराते हो, आप बता रहे हो 5 5 मिलियन ट्वीट चले जाते, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत शुक्रिया भाई आप सभी लोगों का। हेलो हेलविश हेलो भाई, हेलो जी, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ। आप कौन, कहाँ से आ रही है आवाज, मुझे दिख नहीं रहा यार बंदा कौन है। चेल्सी। चेल्सी? ओके, हाय चेल्सी। हाय हेलविश भाई, हेलविश भाई आई लव यू, प्लीज एक बार ना एडमायर का नाम ले लो, वो बोल रहा है बहुत टाइम से। किसका नाम ले लूं? एडमायर का? एल्विश एडमायर। मैं सारी टीम का नाम लूंगा चेल्सी। एक आप बात कर लो फिर मैं सबके बात कराता हूँ। मेरे को ना कुछ बोलना तो आता नहीं है, बट एल्विश भाई आई लव यू सो मच, आपने बहुत अच्छा प्ले किया, मेरे को बहुत मजा आया बिग बॉस देखने में, मैंने तो बिल्कुल छोड़ ही दिया था बिग बॉस, बट आपकी वजह से मैंने देखा, थैंक यू। अरे यार मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, आप क्यों थैंक यू बोल रहे हो? जिसने शो में जान डाल दी थी ना भाई वो तुम ही थे, झूठी बात नहीं है। अरे भाई एलविश भाई, पर आपको पता है, तुमने समझा, मैं बहुत अच्छा लगा। बता था आपको। हाँ जय जी श्री सर, राम एलविस सर, जय श्री एलविस राम, भाई बड़ी जय श्री पूरी, राम, जय श्री राम भाई, राम 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 राम। राम राम। एलविस भाई बहुत मेहनत करी लड़कों ने, हमारा तो नाम आया मेरा और शेफ का दूसरा, लेकिन लड़कों ने बहुत मेहनत करी नीचे, लड़के और लड़कियों ने। कुछ लोग हैं ऐसे जो ऊपर नहीं आ पा रहे, तो मैं एक बार नाम ले लेता हूँ तो आप उनको प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, बिकॉज उन्होंने खुद ने बोला कि दादा हम ऊपर नहीं आ पा रहे, दादा के मुझे दादा बोलता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं नाम लो आपको यार, नाम ले बिल्कुल लेता खुल हूँ, के। अपने ना हमारे साथ में शुभ करके एक आईडी है, हिमांशु है, हंट है, उसके बाद में सिडेक्स प्रो है, ओके डोरिस मैम है, प्रगति मैम है, उसके बाद में हमारे साथ श्वेता करके एक दी है, उसके बाद धनश्री दी है ना, कोमल दीदी नीचे आए हुए हैं, शेब भाई कोमल दी को माइक दे देना प्लीज, है ना। श्वेता उसके बाद में श्वेता ये सब श्वेता है, जी, श्वेता जी है, मतलब इन लोगों ने बहुत हमारे साथ रात भर, मतलब कुछ फीमेल कैंडिडेट हैं अपनी टीम के जो रात रात भर हमारे साथ बैठ के स्पेस में इन लोगों ने मैसेजेस करे हैं, कमेंट करे हैं। बॉस मीटर में शिफ्ट वाइज वर्किंग की है हम लोगों ने, कि हम शिफ्ट बनाते थे 8 8 10 10 लोगों की, और हम लोग बैक टू बैक कमेंट्स करते थे जिससे कि अपने को एक पर्टिकुलर लीड मिलती रहे इस बेसिस। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू यार पूरी टीम का, जिन जिन का नाम आपने लिया, और मुझे पता है ऐसे भी लोग हैं, मतलब सबका नाम तो नहीं ले सकते, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करी होगी, उन सबको दिल से प्यार, और बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं यार आप लोगों ने मतलब अपना समझा मुझे, क्योंकि ऐसे कोई नहीं करता किसी के लिए ना, आप लोगों ने मेरे को अपना समझा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार।
एलविश भाई, जो मनु पंजाबी ने एक बात बोली थी ना कि घर के अंदर गए आप और एक ऐसा लगा कि अपना बंदा घर में गया है, वो वाली वाइब बिल्कुल सच थी कि लगता था कि एक हमारे जैसा बंदा है हमारे बीच से उठ के चला गया, अब इसको ही जिताना है और कोई जीतने लायक भी नहीं है, मतलब आपके अलावा कोई नहीं है। बिल्कुल भाई, तुम्हारे में से ही हूँ मैं भाई एक, और तुम्हारे बीच बिल्कुल। और एलविश भाई, जैसे हमारा जो टीम था ही, हमारे आपके फैंस, आपके भाई, आपके प्यार करने वाले, प्लस उसके बाद रैंडम भाई, अनूप भाई, कोमल दीदी, कटारिया भाई, लक्ष्य भाई, ये सब भी हमेशा आके हमको मोटिवेट करते रहते थे। तो हम लोग जितना प्यार आपसे करते हैं, हम उनको भी उतना ही प्यार करते हैं, वो भी आके बिल्कुल बिल्कुल को माइक दे देना एक बारी शेफ भाई, वो बड़ी देर से मांग रहा। राम राम एलविश भाई। अरे हॉटपॉट नहीं देख रहा है, मैं डीएम में दे चुका। मेरा आपसे एक ही सवाल था, आपके लिए सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था बिग बॉस की आपकी जर्नी में? यार बेस्ट मोमेंट मेरे लिए ना, मतलब वैसे तो सारे थे, मतलब कुछ वैसे भी थे खराब वाले, बट बेस्ट मोमेंट वो था जब मेरे फादर साहब आए थे। मतलब वेट कर रहा था मैं कि मेरा कोई फैमिली मेंबर आएगा घर में, क्योंकि सबके आ चुके थे। और एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जैसे फैमिली वीक हुआ उसमें स्टार्टिंग वाले दिन में अभिषेक की मदर आई और भी लोग आए काफ़ी, तो मुझे लगा कि मेरे मेरे घर से भी कोई आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे कोई आया नहीं। फिर अभिषेक की मदर ने बताया कि वीकेंड के बारे पे सलमान भाई ने बोला कि कुछ लोगों की फैमिली जाएंगी, मतलब कुछ जो वर्ड बोला था ना, कुछ लोगों की फैमिली जाएंगी, तो मुझे लगा वो कुछ मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी से ऐसे वीडियो कॉल करा दी और उस टाइम नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, तो मुझे उस टाइम बहुत बुरा लग रहा था कि यार ये क्या हो गया, सबके घर वाले आ गए और मेरे घर वाले नहीं आए। तो और उसके बाद अगले दिन जब मेरे फादर साहब आए तो बहुत एनर्जेटिक फील हुआ मेरे को, और वो था मेरा मतलब बहुत अच्छा मोमेंट कि जिसको मैं भूल नहीं सकता। एक मिनट एलविश भाई, एक और अपने साथ में ना कुछ और भी लोग हैं एक्चुअली, सॉरी मैं आपको बीच बीच में उनके नाम ले रहा हूँ, बिकॉज सब मुझे बोल रहे हैं अपन ऊपर तो नहीं आ सकते, दादा आप कम से कम नाम ले लो। तो काफी लोग है, हिमांशु है, सोल आरव करके हैं, उन्होंने भी आपको हाय हेलो भेजा है, शिवम सिंह करके हमारे साथ बने हुए, उमर है, और हाँ हमारे साथ है ना शंकर भैया, जैसे मेरे को सब लोग दादा बोलते हैं ना, वैसे एक हमारे शंकर दादा भी है, वो सिद्धार्थ से, तो अपने सिद्धार्थ शुक्ला जो फैंडम है ना, उनका भी अपने को काफी सपोर्ट मिला, उनके साथ भी काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो वो फैंडम भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। फैंडम का भी अनिल भाई सपोर्ट मिला था हमको, दादा नहीं उसी का, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मतलब सिद्धार्थ शुक्ला के जो एफसी है उनका भी काफी सपोर्ट मिला था हमको। मैं एक मिनट बोल देता हूँ पंडित शेफ, एक सेकेंड। देखो क्या है कि ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे लोग बहुत हैं, मतलब मुझे लगता है 5 लाख 6 लाख 7 लाख से ज्यादा एलविश आर्मी है जिसने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया, और यहाँ पे मुश्किल से हम लोग नाम ले पा रहे हैं 100 150 200 का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किसी को लगना चाहिए कि हम किसी को भूल गए हैं, या मतलब ये चीज है कि वो मतलब पॉसिबल नहीं है सारे लड़के लड़कियों का नाम लेना। हम मतलब भाई को बस इतना पता है कि बहुत मेहनत की पूरी ट्विटर टीम ने, चाहे वो बॉस मीटर कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो ट्विटर ट्रेंड हो, जब फर्स्ट वाला हमारे, उसके बाद हमने टेलीग्राम से कैंपेन स्टार्ट किया था बॉस मीटर का और फिर ट्विटर ट्रेंड का, ट्विटर ट्रेंड तो ये लोग पहले से संभाल भी रहे थे, तो वो चीज़ है कि भाई सबको एक बार एक कॉमन मैसेज ऑलरेडी भेज चुके हैं, बता चुके हैं, थैंक यू बोल चुके हैं, एक बार और बोल दे कि जो छूट भी रहे हैं वो दिल छोटा ना करें, क्योंकि पॉसिबल नहीं है भाई, इतने प्यार करने वाले लोग हैं कि सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ को समझे। बिल्कुल भाई सच में, क्योंकि अभी 10-15 लोगों का मेरे पास आ चुका है, मैं एक साथ फ्री में नाम ले देता हूँ आपको एलविश भाई, आप बस सुन लो जी। शिवम तिरोले, सुयोग, रुतिका, इस्माइल नरू, अंकित द्विवेदी, रूपिन ठाकुर, क्षितिज मलवाल, मोहित, सुधांशु कालिया, ये लोगों ने आपके लिए रात रात वोट करे हैं, लोगों को आप मतलब आप जी, जी, मैं भी तीन नाम ऐड करता हूँ, सॉरी नैन्सी करके एक है, एडमायरर है, भानु है, आरव जी, आरव भाई आ गए, आरव ये कुछ बोलते नहीं है बट ये ना इन्होंने बहुत कुछ किया है, पता है ये बिना बोले सब जो साइलेंट सपोर्टर्स होते हैं ना, ये वो है, बहुत इम्पैक्ट देता है तो। बिल्कुल बिल्कुल यार। एलविश भाई आपसे एक बात बोलनी है, आप मीटअप में जा रहे हो ना अभी कल परसों जी, थोड़ी सिक्योरिटी उसकी बढ़ा लो अपनी, थोड़ी नहीं बहुत बढ़ा नहीं है, क्यों बोल रहा है भाई, बस 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 रिलैक्स, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, हमारे जो सीएम साहब है वो भी आ रहे हैं मतलब परसों है 20 तारीख को, तो उनके साथ भी सिक्योरिटी होगी। मैंने ना अभी ये जो चीज़ ग्रुप में जो फैल रही है ट्विटर पे, ये चीज़ ना मेरे पास आ गई थी पहले भी कि
क्या होता है एल्विश भाई, बस बस हाँ, अरे कोई नहीं ठीक है, ये टॉपिक, ये टॉपिक रहने दो और दादा हॉटपॉट को माइक दे दो। एक क्वेश्चन था एल्विश भाई कि आलिया भट्ट ने आपके लिए बोला, यहाँ स्पेस में बताओ आपको कैसा फील हुआ था, आपका तो क्रश भी है यार। मैं उसको ना बहुत पहले से पसंद करता हूँ, मतलब जेन्युइनली, वैसे नहीं कि उसने एक्टिंग अच्छी करती है, वो मुझे पता नहीं वैसे ही पसंद है, जैसे होता है ना क्रश वाला कि ये तो पसंद है ही। और फिर मैंने बाहर निकल के देखा जब मीडिया ने बताया कि आलिया भट्ट जी ने भी आपको ऐसे ऐसे बोला, मैं तो भाई खुश हो गया, मगर ले हमारा तो वो जैसे होता ना कि क्रश होती है और वो थोड़ा रिप्लाई कर देती, खुश हो जाते हैं, तो वो वाली फीलिंग थी यार, मजा आ गया। फिर रणबीर भाई का पत्ता खत्म। अरे रणबीर भाई का पत्ता का क्या खत्म करेंगे भाई, उन्हें खुश रहने दो, तोड़े यार सिस्टम। शेप भाई कुछ माइक रोटेट कर लो ना, कुछ नए लोग अगर ले सको तो। हॉटपॉट को माइक दो, माइक दे दो भाई, नए बंदों को माइक दे दो, मैं नीचे जा रहा हूँ, औरों को माइक दे दो। एल्विस भाई गेम क्या, गेम आपको अंदर कैसा लगा, मतलब अंदर थे आपने गेम बीच में, हमने देखा आपको, आप थोड़े एक बार टूटे भी बीच में, फिर आपने अपने आपको समेटा, फिर आप एक बार इकट्ठे होके वापस आए, तो कैसा मतलब अंदर कैसा माहौल लगा आपको, कैसा लगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, थोड़ा शेयर करो ना यार। माहौल में बताता हूँ, ऐसे एक ना नॉर्मल घर है वो, पर काफी बड़ा घर है, जो उनके हिसाब से चलता बिग बॉस वाले वालों के हिसाब से, जब कब खुलेंगे, कब खुलेगा, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। बट एक चीज है, रियलिटी शो था, मतलब जैसे होता ना हम जैसों के मन में होता है यार स्क्रिप्टेड होगा, स्क्रिप्टेड होगा। अब मैंने खुद रहा मैं उधर और मुझे पता लगा 0% स्क्रिप्टेड था, मतलब कुछ ऐसा नहीं जो उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, फिर कुछ उन्होंने अपने हिसाब से हमें बुलवाया, कुछ भी ऐसा नहीं था। दूसरी चीज, मुझे पहले 10-15 दिन तो ये समझ ही नहीं आया कि साला गेम क्या है, मतलब मुझे तो ऐसा बोला था कि रियलिटी शो है, जो तुम बाहर हो वो ही अंदर रहना। तो अंदर तो मैं कई बार पूछता भी था अभिषेक से भी कि यार ये गेम क्या है, कुछ पर्टिकुलर चीज करनी पड़ती है इधर जो पता लगे कि भाई गेम है। मैं तो वही कर रहा था जो मैं व्लॉग्स में करता हूँ, तुम देखते होगे, जो व्लॉग देखते होंगे, जैसा मैं बाहर था अंदर था, तो उस चीज का काफी एडवांटेज मिल गया, शायद पब्लिक ने ज्यादा रिलेट कर लिया। भाई वो एक रिक्वेस्ट है सभी से, मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई आएंगे स्पेस में, भाई आए, सबको एक्नॉलेज किए, थैंक यू बोले, भाई की आवाज से ही लग रहा है कि तबीयत खराब है उसकी, लेकिन वो बोल नहीं सकता है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, प्लीज आप लोग समझो, भाई आ गए उतना ही काफी है हम सभी के लिए। जरूर जरूर, तो अब भाई को भी छुट्टी देते हैं। एल्विश भाई राम राम। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, मेरी जो एल्विश आर्मी है ना, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोग म्यूट कर लो एक बार, आप लोगों ने बिना किसी मोटिव के, बिना किसी बेनिफिट के मुझे इतना प्यार दिया, आपका प्यार जो है भाई सेल्फलेस है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग हैं मेरी लाइफ में, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, जिन जिन का नाम मैं ना भी ले पाया हूँ उनको भी बहुत दिल से प्यार, और मौका मिला कभी तो ज़रूर इन पर्सन मिलूंगा मैं, बाकी परसों इवेंट है वहाँ पे, मौका लगा तो भी मैं इन पर्सन मिलना चाहूँगा आप सभी लोगों से, जितने भी मेरे फैन पेजेस हैं या फिर जितने भी लोग जो दिल से इतना प्यार करते हैं मेरे को, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहले शायर राम राम। हेलो राम राम जी, ये अपने तो मिल जाएंगे। हेलो पैदावार रोकस के बाद अपने घर या। हेलो एलवीसी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नैन्सी जी बताएं। कांग्रेचुलेशन पहले तो आपको सर, थैंक यू सो मच। समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या बोलूं, बट मैं लव यू बोल देती हूं आपको। अरे वाह यार, थैंक यू यार, थैंक यू। मैं एल्विस भाई, मैं आपको स्पेशली इस लड़की से मिलवाता हूँ, ये लड़की अपने फैंडम में ये नहीं, ऐसे कुछ और भी कैंडिडेट है जिन्होंने जब ट्रेंड होता था ना, हम आप लोगों का ट्रेंड करते थे, तब ये लोग सबसे ज्यादा ड्राफ्ट रिलीज करे इन लोगों ने, मतलब जबरदस्त ट्वीट करते थे ये लोग, जिससे आपका ट्रेंड अपन बूस्टअप कर पाते थे, तो नैन्सी इज पार्ट ऑफ दैट टीम ऑल्सो। भाई मैं ना सॉरी दोबारा आया, सिर्फ ना 2-3 बंदों के नाम नहीं लिए, बस उनका नाम लेने आया। बिल्कुल बिल्कुल यार, प्रगति बैठी है, एल्विश एक्स खुशी बैठी है, बहुत बड़ी फैन है आपकी, इंस्टा भी संभालती है और यहाँ भी है, ठीक है, महिपाल है और श्वेता, श्वेता जी है, ठीक है, ये 3-4 नाम रह गए थे, बाकी भाई लव यू। जोन को कैसे भूल सकते हैं, जोन भी जोन दिख ही नहीं रहा है मुझे अपना जोन। हेलो एल्विश भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब मुझे ना आपके एडिट्स